हर दिल्ली के शराब घोटाले के मामले में बीआरएस नेता के कविता आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगी। दिल्ली के शराब घोटाले में ईडी ने उन्हें आज पेश होने के लिए समन जारी किया था। ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए दिल्ली स्थित कार्यालय आने को कहा है। के कविता ने ईडी को ईमेल के जरिए अपना जवाब भेजा है। ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी उमा सुधीर। कविता, जो पूर्व मुख्यमंत्री तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की बेटी है, वो आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने पेश नहीं होंगी। उनको समन दिया गया था कल शाम को, जो संक्रांति का त्यौहार का दिन था, और उसके बाद लीगल एक्सपर्ट्स और अपने परिवारजनों के साथ बातचीत के बाद कविता ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को इन्फॉर्म किया है कि वो आज उनके सामने पेश नहीं होंगी। उनके जो लॉयर हैं नीतीश राणा, उन्होंने कहा है कि कविता ने जो प्ली दी थी या जो याचिका दी थी सुप्रीम कोर्ट को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के समन्स के खिलाफ, वो अभी भी पेंडिंग है और इसलिए वो अभी पेश नहीं होंगी। तीन बारी समन्स आ चुके हैं कविता को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने पेश होने के लिए, और मार्च के महीने में वो उनके सामने पेश भी हुई थी 3 दिन के लिए, और सितंबर में फिर से उनको कॉल आया था, समन्स आए थे, और सुप्रीम कोर्ट ने उनके प्ली के रिस्पांस में ये कहा था कि आप उनको समन मत कीजिए, और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी कहा था कि नवंबर 20 तक उनको समन नहीं करेंगे। वो पीरियड अब लैप्स हो चुका है और कविता को बुलवाया गया है। हालांकि कविता ने कहा है कि उनका कोई लेना देना नहीं है इस अलेजेड स्कैम से, लेकिन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ये दावा किया है कि वो साउथ ग्रुप के का हिस्सा थी, जो एक साउथ ग्रुप बताया जाता है कि उन्होंने 100 करोड़ रुपया दिया था आप सरकार को, ताकि वो एक्साइज पॉलिसी या लिकर का जो बेचने का जो धंधा है उसको उसमें फेवर करने के लिए उनको 100 करोड़ रुपया रिश्वत के रूप में दिया गया था, ऐसा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का कहना है। कविता ने अपनी तरफ से कहा है कि उनका ऐसे किसी ब्राइब या स्कैंडल में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यहाँ की जो कांग्रेस सरकार है, उन्होंने इस समन्स को रिएक्ट करते हुए कहा कि अब लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, तो भाजपा जताना चाहती है कि वो बीआरएस के साथ मिली जुली नहीं है, और ये भी जताना चाहती है कि बीआरएस उनकी बी टीम नहीं है, और इसलिए उन्होंने अब कविता को बुलवाया है।